नमस्कार दोस्तों, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया में चल रहे युद्ध की और इस पर विशेषज्ञों ने जो चिंता जताई है उसकी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दुनिया में एक छोटा सा भी परमाणु युद्ध होता है तो पूरी दुनिया दाने दाने को तरस जाएगी। दोस्तों इस साल के शुरुआत में ही हम रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख रहे हैं जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो गई है और हाल ही में चीन और ताइवान देश भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि यदि दुनिया में छोटा सा भी परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया भर के लोग दाने दाने को तरस जाएंगे। इस पर विशेषज्ञों ने कहा है कि युद्ध हो सकता है कि कुछ दिन या हफ्तों तक ही चले, लेकिन धरती के जलवायु पर उसका प्रभाव दशकों से ज्यादा समय तक कायम रहेगा। इसका प्रभाव खाद्य पैदावार में भारी गिरावट लेकर आएगा। यूक्रेन और ताइवान मसले को लेकर अमेरिका की रूस और चीन के साथ युद्ध की आशंका गहराती जा रही है। परमाणु विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर दुनिया में कहीं भी सीमित रूप से भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो इससे पूरी दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो सकता है जो कम से कम एक दशक तक कायम रहेगा। विशेषज्ञों ने इस बारे में एक खास अध्ययन किया और उन्होंने अपनी मॉडलिंग के आधार पर सीमित परमाणु युद्ध के संभावित असर का अनुमान लगाया है। इस अध्ययन की रिपोर्ट नेचर फूड नामक जर्नल में प्रकाशित हुई है। रिसर्चर्स ने कहा है कि शहरों और औद्योगिक इलाकों में परमाणु बम गिराए गए तो उससे बड़ी मात्रा में धुआं निकलेगा जो धरती के वातावरण के ऊपरी सतह पर जमा हो जाएगा। उसके प्रभाव से दुनिया के तापमान में भारी गिरावट आ सकती है, इससे धरती ठंडी हो जाएगी। विशेषज्ञों ने कहा कि युद्ध हो सकता है कि कुछ दिन या हफ्तों तक ही चले, लेकिन धरती का जलवायु इससे खासा प्रभावित हो सकता है जिसका प्रभाव करीब दशकों तक हमारे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट पर कायम रहेगा जिससे खाद्य पैदावार में भारी गिरावट आएगी और खाद्य सुरक्षा मुहैया नहीं हो पाएगी। इस अध्ययन से जुड़े रिसर्चर्स रियान हेमगन ने इस अध्ययन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को वेबसाइट द कन्वर्सेशन पर एक रिपोर्ट लिखी है। इस अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कुछ लिमिटेड परमाणु युद्ध भी हुआ तो दुनिया में इसका क्या असर होगा, तथा वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च में इस बात पर खास जोर दिया है कि इसका खाद्य आपूर्ति पर क्या असर होगा, साथ ही फसल का उत्पादन, मछली कारोबार, पशुपालन पर वैश्विक जलवायु में होने वाले प्रभाव को आधार बनाते हुए एक मॉडल विकसित किया है। हेनिंगम ने लिखा कि परमाणु युद्ध का असर कितना व्यापक होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि युद्ध किन देशों के बीच होता है। अगर यह युद्ध अमेरिका और रूस ने एक दूसरे के खिलाफ परमाणु युद्ध का इस्तेमाल किया तो उसका असर सबसे ज्यादा भयंकर होगा। आज की परिस्थितियों में जिन परमाणु ताकतों के बीच तनाव है उनके बीच युद्ध की कल्पना करते हुए विशेषज्ञों ने 6 प्रकार के परिदृश्य इस मॉडल के द्वारा विकसित किए हैं। उनके मुताबिक सबसे हल्के युद्ध से 50 लाख टन परमाणु धुआं धरती के वातावरण में जाएगा, जबकि रूस और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो करीब 1.5 करोड़ टन का धुआं वातावरण में जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर इसका युद्ध बहुत थोड़े दिनों तक ही चला तो वैश्विक जलवायु पर उसका असर बहुत ही खतरनाक होगा। उसके प्रभाव से खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आएगी। युद्ध के कुछ वर्ष के अंदर ही खाद्य पैदावार में कम से कम 10% की कमी आ सकती है, विशेषज्ञों ने ऐसा माना है। वहीं रिसर्चर्स ने ये भी कहा कि यदि युद्ध बहुत ही सीमित समय के लिए होता है तब भी परमाणु हथियारों का से होने वाले उनके विकिरण हमारे वायुमंडल में छा जाएंगे और यह धुआं वातावरण में लंबे समय तक कायम रहेगा, जो कि एक निर्विवाद प्रश्न है। तो दोस्तों ये थी बात इस रिसर्च की जिसमें वैज्ञानिकों ने एक मॉडल विकसित किया है जिसमें उन्होंने परमाणु युद्ध से होने वाले नुकसान तथा इससे धरती पर क्या इम्पैक्ट होगा इस पर खासी चिंता व्यक्त की है। दोस्तों यदि इस बात को लेकर आपके मन में भी कोई बात है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।